कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे केस की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2021 में ऑर्डर किया है। ये केस था कुम अक्षता वर्सेस सेक्रेटरी BNM एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन के और स्टेट कमीशन का जो ऑर्डर था उसको होल्ड किया है। इस केस में फैक्ट क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि 14 साल का एक बच्चा था जो 9th क्लास में पढ़ता था, एजुकेशनल टूर पर गया स्कूल के साथ, टीचर्स थी। अनफॉर्चुनेटली बच्चे को वहां पर वायरल फीवर हुआ, फिर मेनिनजाइटिस डिक्लेयर हुआ, उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो गया और स्पीच चली गई जिसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती थी। स्टेट कमीशन ने इस केस में ऑर्डर किया था 88,73,798 रुपीस का। ये मैटर जब नेशनल कमीशन में आया तो नेशनल कमीशन ने इस अमाउंट को रिड्यूस करके 50 लाख कर दिया, 50 लाख कर दिया और मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के पास आया डिसाइड करने के लिए कि क्या इसको रिड्यूस करना सही था। नेशनल कमीशन ने किस आधार पर उस अमाउंट को रिड्यूस करके 50 लाख कर दिया, ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के पास। अब हम आपको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के एक ऑर्डर की बात भी करेंगे जो 20 जनवरी 2020 में डिसाइड हुआ था। इस केस में मनु सोलंकी वर्सेस विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ केस, इसकी बहुत चर्चा हुई। इस केस में 5 पॉइंट्स पर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने अपने ऑर्डर किए थे। इसमें 24 सेट ऑफ केसेस थे, माने 24 बंचेस ऑफ केसेस थे और एक एक बंच में कई कई केसेस थे, 10-10 11-11 केसेस भी थे, तो एक बहुत लंबा ऑर्डर था। ऑल ओवर इंडिया से केसेस यहां पर आए थे डिसाइड करने के लिए। उनमें मैं पांचों इश्यूज पे नहीं जाऊंगी और संदर्भ में उन पर चर्चा करेंगे, जो इस केस से जुड़ी हुई बात है हम उसको लेंगे। इस केस में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने ये कहा था कि एजुकेशन के अलावा इंस्टीट्यूट यदि कोई और फैसिलिटी देता है जैसे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, स्विमिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, पिकनिक इत्यादि में ले जाने की फैसिलिटी, उसके लिए अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट कहिए लायबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, डेफिशिएंट इन सर्विसेज नहीं होगा। ये केस नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने 20 जनवरी 2020 में डिसाइड किया था। हालांकि इस केस को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है 15 अक्टूबर 2020 में ही, और 15 अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडमिट कर लिया है और उसको फिर से देखा जाएगा। किंतु इस बीच में ये कुम अक्षता का ये केस भी सामने आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है तो इसको ये मानना चाहिए कि जो नेशनल कमीशन ने कहा था कि पढ़ाई के अतिरिक्त बाकी फैसिलिटीज के लिए डेफिशिएंट नहीं होगा इंस्टीट्यूट, वो बात खत्म हो जाती है। तो मैं ये बताना ये चाहती हूँ कि ये ऑर्डर जो है सिद्ध करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि एजुकेशन के अतिरिक्त बाकी एक्टिविटीज के लिए भी यदि डेफिशिएंसी होती है तो स्कूल, इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी है वो लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 88,73,798 का क्लेम पास किया था या स्टेट कमीशन ने जिसको ये कंपनसेशन अवार्ड किया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है और नेशनल कमीशन ने जो उसका रिड्यूस करके 50 लाख कर दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया है। मीनिंग देयर बाय कि ऐसे मैटर्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर केस लिए जा सकते हैं और सर्विसेज के बारे में तय किया जा सकता है। तो ये एक केस है जो उस कड़ी में से हमने निकाला कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के उस ऑर्डर में से एक पॉइंट जो ये था वो एक तरह से निरस्त हो गया,
सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, 14 जुलाई 2021 में अपना ऑर्डर दे दिया है कि एजुकेशन के अतिरिक्त भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, पिकनिक हो, स्विमिंग हो, स्पोर्ट्स हो, सब की सब उनकी सर्विसेज में आएंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलती रहें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।